हाँ जी बच्चे, अभी डेप्रिसिएशन किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि उसमें स्पेस थोड़ा चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 रियलाइजेशन का। कहता है पी क्यू एंड आर एंड एस चार पार्टनर हैं। मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया, पी क्यू आर एंड एस, कैरिंग अ बिजनेस पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 4-3-2-1, 4:3:2:1, ये पहले इनका रेशियो था। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 30 अप्रैल 2011। 30 अप्रैल का इसका बैलेंस शीट था। कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटी है और नीचे एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं सारा सन्ड्री एसेट, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, आपने पूरा लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग 246, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पूरा वर्ड लिखना है। फिक्चर होता क्या है बताओ, जैसे आपके दरवाजे हैं, डोर हैं, तो आपने देखा होगा वो फर्नीचर है लेकिन फिक्स है, तो उसे बोलते हैं फर्नीचर एंड फिक्स्चर। और जो सिर्फ चेयर टेबल है उसे फर्नीचर बोला जाता है। स्टॉक 1 लाख रुपए, स्टॉक 1 लाख रुपए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप अंदर लिख के डायरेक्ट टोटल भी कर सकते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा उससे। कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस 2 बैलेंस BD। अब बैलेंस पूरा लिखना है 2 बैलेंस BD, कैश इन हैंड में 15,500। इसके बाद कैपिटल ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्रॉन, तो इस सर बैलेंस BD आएगा 2 बैलेंस BD। मैंने बैलेंस BD जरूर लिखा, पूरा लिखेंगे आर एंड एस का। आर का 25,000 और एस का 18,000। और फिर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आ गया, तो इसे इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD 168। तो देखो बेसिक चीजें तो आपको आती है, ये चैप्टर मैंने सिखा रहा, सिर्फ मैंने असाइनमेंट का सॉल्यूशन बताया है। जनरल रिजर्व क्या होगा, बट जाएगा आपस में इनमें, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 95,000 रुपीज बांट देते हैं। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व मेरा कैलकुलेटर 95,000, और 95,000 किस रेशियो में बटेगा, 4-3-2-1, 4 38,000, 3 28,500, 2 19,000, 1 9,500। कैपिटल रिजर्व भी बढ़ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में सबसे बड़ी कि कंपनी के अंदर कैपिटल रिजर्व होता है, पार्टनरशिप में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लिख रखा है तो आप बांट दो इसे, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वाली बात नहीं है। 10,000, 3 7,500, 2 5,000, 1 2,500, ठीक है, ये बांट दिया। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर एंड लोन है, मोर्टगेज लोन। अब ये कौन सा नया नाम आ गया, इधर लिखते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर है 1,36,000। अब है मोर्टगेज लोन। देखो मोर्टगेज लोन वो लोन होता है जो कोई सामान गिरवी रखकर हम लोन लेते हैं, उसे मोर्टगेज बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लोन है तो यहां आएगा, लोन
और ये है 1,10,000। चलिए जी, आगे कहता है कि एसेट्स जो रिलाइज हुआ है वो इस मैनर में रिलाइज हुआ है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग बिका 2,30 का, तो जितने भी एसेट्स है इसको एक एक करके इधर रिलाइज कर देंगे बाय, और किसके नाम से करेंगे, बाय कैश अकाउंट बनाया है तो कैश में। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात करी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग जी कितने का बिका है, ये 2,30, मैं बाहर ही लिख रहा हूँ सीधा 2,30,000, अंदर भी लिख सकते हो आप इसको इनसाइड में। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, बताओ क्या होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। जो फर्नीचर फिक्स होता है उसे हटा नहीं सकते उसे फर्नीचर एंड फिक्सचर बोला जाता है। स्टॉक 72,000 का, इस पे लॉस प्रॉफिट का ध्यान नहीं देना आपने, ये तो आप सबको पता है। डेटर 65,000, अरे पहले वाले में डेटर लिखा नहीं मैंने, 65,000, चलो ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ डेटर भी आएगा, पुराना डेटर लिखा नहीं मैंने और डेटर है 72,500। ठीक है चलिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट 7,800 रुपीज, तो टू बैंक कैश अकाउंट और ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस 7,800 आ गया। डबल एंट्री मैं एक साथ ही करूंगा सबके, ठीक है ना, जितने भी मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं ये डबल एंट्री का प्रोस्पेक्टिव है। फर्दर क्रेडिटर ऑफ 18,000 हैड टू बी मीट। फर्दर का मतलब जो था वो तो दिया ही, और आगे जी टू कैश अकाउंट और यहां क्रेडिटर। फर्दर का मतलब एक्स्ट्रा 18,000 एंड हैड टू बी मीट, इसे मिलेंगे 18,000 और 36,000, तो देखते हैं 18 प्लस 36 टोटल कर लेंगे बाद में। आर बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग रिलाइज फ्रॉम आर, इंसॉल्वेंट हो गया भाई और इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आगे कहता है अप्लाई लीडिंग लेड डाउन द गार्ने वर्सेस मुरे रूल, प्रिपेयर द रिलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश, तो सारी चीजें तो हम बनाने जा ही रहे हैं। ठीक है यहां तक। अब सबसे पहले कंसर्न ये है गार्ने वर्सेस मुरे रूल क्या कहता है, दो तीन चीजें मेन मेन बातें बताता हूँ। सबसे पहले जो लॉस होगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उसकी जो भी पैसे नहीं लेके आ पाएगा, बचा हुआ पार्टनर जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो बियर करेगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे आर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो इसका जो डेफिशिएंसी आएगा बियर करेगा पी एंड क्यू, एस क्यू नहीं करेगा क्योंकि इसका कैपिटल क्या है, डेबिट, वो भी किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो चलिए कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं, कैपिटल रेशियो। ठीक है अभी कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे हम, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं पी के लिए और क्यू के लिए। ठीक है तो 168, सारा काम एक साथ ही कर लेता हूं मैं, 1,08,000 करेक्ट, इसमें प्लस हो जाएंगे रिजर्व 38,000 इसका और इसका 28,500। आपका फिक्स कैपिटल होता अगर ये, तो सिर्फ यही बन जाता कैपिटल रेशियो, फ्लैक्चुएशन में रिजर्व जितने भी होते हैं पी एंड एल का बैलेंस होता है वो ऐड हो जाता है, प्लस 1,10,000 रुपये कैपिटल रिजर्व। आपको लिखना है यहाँ क्या प्लस कर रहे हो, फॉर्मेट बना रहे हो तो आप प्रॉपर लिखना, यहाँ कैपिटल रिजर्व प्लस कर रहे हैं, यहाँ जनरल रिजर्व प्लस कर रहे हैं, लिखना है आपने 7,500। मैं तो सॉल्यूशन बना रहा हूँ, बाकी क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता है और आपने लिखना है। तीसरे का कोई हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो एस है इसका बैलेंस डेबिट है तो लॉस को तो बियर करेगा नहीं, मेरा कैलकुलेटर। ठीक है 168 38 10,000 216 108,000 28,500 और 7,500 144। ठीक है और सारे एसेट्स रिलाइज हो गए, लाइबिलिटी एक मोर्टगेज लोन रह गया, इसको लिख देता हूं मैं टू कैश अकाउंट से
कैश अकाउंट से, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं मोर्टगेज लोन, और ये है 1,10,000। कुछ ना बोला हो तो उतने का ही बेचते हैं। एसेट्स के बारे में ना बोला हो तो उसके लिए अजम्पशन लेना पड़ता है, लाइबिलिटी के लिए कोई अजम्पशन नहीं लेना। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेरी है सर कितने मार्क्स मिलेंगे कैसे। देखो आपके असाइनमेंट है, असाइनमेंट के बेसिस पे अजम्पशन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका सारा असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको पूरे ही नंबर मिलने वाले हैं, 100 में से 100, ऐसा नहीं है। वैसे पेपर 75 का है, 75 आउट ऑफ 75। वो डीयू का अपना इंटरनल असेसमेंट है, वो किस हिसाब से मार्क्स देता है, क्या प्रेजेंटेशन है, किस टीचर के हाथ में आपका असाइनमेंट जाता है चेक करने के लिए, वैल्यूएशन करते टाइम पे वो खाना खा रहा है या फिर किसी से लड़ाई कर रहा है, ये सारे भी मैटर करता है। आपके सिर्फ कई चीजें होती है, जैसे मान लो कि मैं बहुत आज खुश हूं तो जितने बच्चों के असाइनमेंट चेक करूंगा अच्छे नंबर दूंगा। आज मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया हूं, मेरे अपसेट हूं, बस असाइनमेंट के ऊपर सारा गुस्सा निकालूंगा, तो वो होता है भाई बच्चे कोई भी हो। अब बस आप यही प्रार्थना करें घर बैठ के कि हमारा टीचर खुश होना चाहिए जो भी असाइनमेंट चेक करें, ठीक है। और इनके लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर भी होते हैं जो ये अपने उसको फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा नहीं देना, इससे कम नहीं देना। ये आ गया हमारा टोटल 6573300, 6573300। अभी मैं कैश में ले जाऊंगा, चिंता मत करो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसे कैश अकाउंट में तो गया ही नहीं, लेके जाएंगे। इसे लिख रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल में, लॉस है ये, ठीक है। कौन कौन, पी क्यू आर, ओहो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। -36,000, -1,10,000, माइनस, तो देखो कितने आसान है। वैसे जरूरत नहीं थी मेरी, फिर भी मैंने सोचा चलो मैं बना देता हूँ, काफी मुश्किल से टाइम निकाला है और मैंने बना दिया 1,02,300 माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाय 10 × 4, 40,920, 30,690, 2, 20,460, 1, 10,230, ठीक है जी। डन। इस लॉसेस को यहां ट्रांसफर करें टू रियलाइजेशन अकाउंट, 40,920, 30,690, 20,460, 10,230, ठीक है। लॉस को भी ट्रांसफर कर दिया, चलो कैश बैलेंस को भी कर देते हैं। और जो लॉस है वो रिमेनिंग पार्टनर कब लाता है नहीं लाता उसको भी देखेंगे अभी हम, टू रियलाइजेशन, इसलिए मैंने बोला था लैंड एंड, एक ही बार लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से आया पैसा, फर्नीचर एंड फिक्सर से आया पैसा, स्टॉक से आया पैसा और डेटर से आया पैसा, 32, 42,000, 72,000 और 65,000। मैं टोटल कर दूंगा इसको बाय साइड में, बाय साइड में रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में क्या है, लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटी जो हुआ, सबसे पहले एक्सपेंस है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो है 7,800। इसके बाद है हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर है 56,000। इसके बाद है हमारा मोर्टगेज लोन, मोर्टगेज लोन है हमारा 1,10,000। अब फाइनली यहां से बैलेंस निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद इसको भी ट्रांसफर कर दिया, इसको भी ट्रांसफर कर दिया, सारा कर दिया, बस कैपिटल लॉस लेके आना है। तो बाय ले आता हूं मैं कैश में लॉस को, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेके आएगा,
तो ये 40 30 20 ये लिया आएगा यहाँ पे, फिर हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, एक बार और मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। टोटल 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 ठीक है, 18 इसको जोड़ा नहीं मैंने, ओहो मिस्टेक हो गई एक, ये 54 है। ठीक है, नोटिंग मैंने इसलिए बोला था, थोड़ा कई बार कैलकुलेशन में छः 55 300, 55 300, यहाँ पे 6 55 300, ये 1,03,00 आ जाएगा, है ना। -36,000 चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ 40 120, थ्री 3,00090, 2,00090 एंड 1,10030, ये आ गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 40,000, 0,00090, 2,00002 पे भी यही है, 60 ये 2,00060 और 1 पे 30, 2,00030। ठीक है, लॉस को मंगवा लेते हैं, 40 120, 3,00090, फिर से मैंने 90 लिख दिया, 60 को 60 है ये। यही छोटी छोटी गलतियां जो होती है वो कई बार आप भी कर देते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका बैलेंस निकालेंगे पहले, तो 25,020 60 45 060, 45 060, इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और -5,000 21,060, ये क्या है, डेफिशिएंसी, ये है डेफिशिएंसी। कौन बियर करेगा, ये दोनों बियर करेंगे। रेशियो किसमें, रेशियो है इसका, एक मिनट, रेशियो 2:16:1:44, कोई इशू नहीं है, वो मैंने लिख दिया, कैलकुलेटर पे तो करना ऐसे काट के, और भी आप छोटा कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ डेफिशिएंसी, इसका जो डेफिशिएंसी आया, डेफिशिएंसी मैं यहां लिख देता हूं, डेफिशिएंसी इज 2,10,60, ये डेफिशिएंसी आ गया है, 25,000 2,060 -19,000 -5,000। ठीक है, अब इसको रेशो में बांट देते हैं, 2,16 प्लस में 1,14, 360, 0,10,060 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 2,16। अब इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है, होगा क्या, यहां पे हम इसको देंगे, कौन देगा, पी, तो यहां पे बाय, पीज कैपिटल, पी कितना देने वाला है इसे, 12,636, और फिर बाय पी के बाद क्यूज कैपिटल, क्यूज क्या देने वाला है इसे, 8,28,424, और यहां से निकल जाएगा 2 आर्स कैपिटल, इसके अकाउंट से निकालना है 1,26,36,
और इसके अकाउंट से 8424। करेक्ट, ये लो आपका खत्म ये क्वेश्चन। अब टोटलिंग का रहता है हमारा पोर्शन, तो टोटलिंग में किसी का डेफिशिएंसी इस साइड भी निकल सकता है, किसी का इस साइड। पहले एक पी का देख लेते हैं हम, वन टू जीरो कैश लेके आए हैं ये, तो यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पी आपको नीचे नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। पी क्यू ऐसे लिखना है आपने, और एस तीन लेके आए, पी क्यू और एस। मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख रहा हूँ, पी प्लस क्यू प्लस में एस, लॉस जो लेके आए वो, ठीक है। तो 40 120 3060 2010 30 80 210, ठीक है। टोटलिंग टू फाइव सिक्स वन टू जीरो, 2561 20 माइनस 40 120 माइनस 12636, ये आ गया 2033 64, ये आ गया कैश में, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 2033 64, ओके ठीक है। सेकंड का देख लेते हैं, 108 000 2875 75 130 60 174 060 060 माइनस 3060 माइनस 8424 135 76, ओके 135 576, टोटलिंग 174 060। इसका तो करना नहीं है टोटल, क्योंकि ये तो मैच है। रह गया इसका बैलेंस कैश का, हाँ तो इसका बैलेंस तो इधर ही ज्यादा है, तो 18,000 प्लस में 28030, मैं यहां लिख रहा हूं एडजस्ट करके बाय कैश, और मैं यहां लिख दूंगा, आपने थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना है, माइनस 9500 माइनस 2500 1030, 6000 रुपये ये कैश लेके आएगा, 28030। टोटलिंग कई जगह पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट, देखो मुझे सॉल्यूशन बताना था, बाकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सिखा रहा हूँ कि जो मैंने बताया वो आप जाकर वहां पे लिख के आ जाओ। सेम अपना प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है वो खुद देखेंगे आप। मैंने समझा दिया कि इसको पूरी पूरी चीजें रखना है, 2,30,000 42,000 72,000 65,000 4,09,000, ठीक है। बाय पार्टनर्स कैपिटल, पी का एंड क्यू का तो इधर आएगा, पी का 20364 और इसका 135576। चलिए जी, 20364 135576 ये आ गया हमारा। अब ये आ जाएगा हमारा 747940, 747940, ठीक है। देन इसको टोटल कर देते हैं, 7856173800 प्लस 747940 92140, और यहाँ 10 आ रहा है। एक बार इसका टोटल चेक कर लेते हैं, हमारा 6000 एंड टोटलिंग इज 51070।
यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको 54 करना चाहिए हमें, ठीक है ना। ये जो 54 है मैंने 56 लिखा था, तो इसे 71 कर देते हैं और ये आ गया 0। तो हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। तो मैंने सॉल्व भी कर दिया है। अब असाइनमेंट में कैसे रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या नोट देना है, एक बार सुन ले। सबसे पहले नोट देना है कि एस जो है वो कैपिटल रेशो में नहीं बॉर्न करेगा आर का डेफिशिएंसी, बिकॉज इज कैपिटल डेबिट एज पर लीडिंग केस। उसके बाद ये कैश में अपने पास से पैसे लेकर के आएंगे घर से। दो नोट हो गए आपके। तीसरा नोट क्या देना है आपने, तीसरा नोट दे सकते हो एक, ये लाइबिलिटी सेम वैल्यू पे रिलाइज हो गया, नोट देने वाली बात नहीं है। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन था, कैपिटल रेशियो को अच्छे से करना, डेफिशिएंसी को अच्छे से करना। तो एक क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर टू हम उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले ये करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाएंगे।